सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइज अभी हमारे साथ है हार्ली डेविडसन X440 एंड यहाँ पे इसकी की है। आज इसका हम लोग फुल डिटेल रिव्यू देने वाले हैं आप लोगों को। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दिए, फटाफट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अभी हमारे साथ है हार्ली डेविडसन X440 एंड यहाँ पे इसकी की है। की पे भी आप लोग को जो है हार्ली की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है एंड यहाँ पे आप लोग को जो है फ्रंट के अंदर जो है LED हेडलाइट मिल जाता है। यहाँ पे हार्ली डेविडसन की ब्रांडिंग दे रखी है। इसको एक बार मैं ऑन करता हूँ, वो आप लोग को दिखाता हूँ लाइट का DRL एंड जो है इसका हेडलाइट का रिस्पॉन्स। तो यहाँ बीच में जो है DRL दे रखा है, हार्ली डेविडसन की यहाँ पे ब्रांडिंग दे रखी है जो कि यहाँ पे अच्छे तरीके से जो जल रहा है। बीच में प्रोजेक्टर भी दिया हुआ है, हाई बीम लो बीम दोनों इसके अंदर है। यहाँ पे आप लोग को नंबर प्लेट लाने की जगह दे रखी है एंड यहाँ पे इंडिकेटर LED दे रखे हैं राउंड शेप के। इस पे भी आपने हार्ली डेविडसन की यहाँ पे जो है लोगो दे रखे हैं। हजार्ड का फीचर मिल जाता है, इसको आप ऑन ऑफ जो है यहाँ पे से कर सकते हैं। इसका स्विच जो है यहाँ पे दे रखा है ऑन ऑफ करने के लिए। यहाँ पे जो आप लोग को जो है इग्निशन मिल जाता है, सेल्फ का बटन मिल जाता है एंड गाइस यहाँ पे जो है आप लोग को फ्रंट का जो फेंडर है वो आप लोग को मेटल का देखने को मिल जाता है। KYP का जो है USD4 देखने को मिल जाते हैं। बाइब्री को जो है यहाँ पे ट्विन पिस्टन कैलिपर देखने को मिल जाते हैं एंड डिस्क का साइज जो होने वाला वो आप लोग को हो जाएगा 320 सेक्शन का एंड यहाँ पे जो टायर का सेक्शन है वो होने वाला 100 सेक्शन का एंड जो फ्रंट का जो अलॉय व्हील है वो होने वाला आप लोग को 18 इंच का। एंड यहाँ पे गाइस जो है आप लोग को रिफ्लेक्टर्स भी दे रखे हैं बाइक के अंदर एंड यहाँ पे आप जो है आप लोग को रेडिएटर मिल जाता है क्योंकि ये गाड़ी एयर कूल्ड एंड ऑयल कूल्ड दोनों के साथ में ही आती है। यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए अभी कुछ नहीं लगा हुआ, पर एसेसरीज में आप लोग को प्रोटेक्शन के लिए भी यहाँ पे लग जाएगा। एंड यहाँ पे इसका जो मेन चीज़ है वो इंजन होने वाला है। इंजन हो जाएगा 440cc का जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 27 BHP के एंड टॉर्क जनरेट करता है 38 Nm का एंड 6-speed मैनुअल गियर के साथ में आता है। यहाँ पे इसका गियर लीवर दिया हुआ है। 1-side down एंड 5-side up मिल जाता है। साइड स्टैंड कट ऑफ पीछे देखने को मिल जाता है। इसमें जो डुअल स्टैंड लगा हुआ नहीं वो भी सीरीज में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। एंड गाइज यहाँ पे इसका टैंक है, टैंक मिल जाएगा 13.5 liter का। एंड यहाँ पे इसका दिया हुआ है हार्ली डेविडसन कनेक्ट का फीचर E20 एंड यहाँ पे इसका स्पीडोमीटर है जो कि यहाँ पे TFT में आप लोग को देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप लोग को इंडिकेटर वगैरह का जो मिल जाता है स्विचेस, यहाँ पे साइड स्टैंड का बटन, यहाँ पे आप लोग को जो इसके डोंगल्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप इसको जो है वो ऑपरेट कर सकते हो। सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हो। इसके अंदर आप लोग को USD चार्जिंग की सॉकेट भी देखने को मिल जाता है। एंड गाइस यहाँ पे आप लोग को जो है सेल्फ का बटन मिल जाता है, यहाँ पे थ्रॉटल मिल जाता है एंड गाइस यहाँ पे जो है आप लोग को साइड इंडिकेटर का जो स्विच मिल जाता है, हॉर्न मिल जाता है। एक बार मैं हॉर्न का साउंड आप लोग का चेकआउट करवा देता हूँ। सिंगल हॉर्न देखने को इस बाइक में आप लोग को मिल जाते हैं जो कि यहाँ पे होने वाले हैं। यहाँ पे दिया रखा है यहाँ पे एंडेक ब्रांडिंग एंड यहाँ पे जो है आप लोग को जो है एग्जॉस्ट मिल जाता है। एग्जॉस्ट पाइप यहाँ से सही तरीके से प्लेस करके नीचे से ही पीछे गया हूँ एंड इसका आगे मैं आप लोग को एग्जॉस्ट नोट भी सुना दूंगा। यहाँ पे आप लोग को जो नीचे में अंडरबेली देखने को मिल जाता है एंड यहाँ से ये कनेक्ट किया हुआ है जिसको कि आप यहाँ से चेंज भी करवा सकते हो। एंड यहाँ पे पीछे का ब्रेक दे रखा है एंड यहाँ पे जो गाइस है पीछे में अगर बात की जाए तो पीछे में भी आप लोग को जो LED टेल लाइट मिल जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लगते हैं देखने में। एंड पीछे में आप लोग को जो है मेटल के फंडर देखने को मिल जाते हैं एंड यहाँ पे जो LED इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्टर है, यहाँ पे आप लोग को नंबर लाइट देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे जो है नंबर लगाने की जगह है। एंड पीछे का जो सेक्शन होने वाला है डिस्क का वो होने वाला 240 mm का जो कि बाइब्रिक ही होने वाले सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ में एंड 17 inch के अलेवल होने वाला है। 140 सेक्शन का टायर हो जाएगा जो कि ये ट्यूबलेस हो जाएगा क्योंकि ये बीच वाला मॉडल है। नीचे वाला मॉडल में आप लोग को जो स्पोक मिलेगा और ट्यूब टायर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ट्विन शॉक मिल जाते हैं जिसको कि आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, एक साइड इस साइड है एंड दूसरा यहाँ पे दे रखा है। एंड यहाँ पे आप लोग को एल्युमिनियम के जो है वो फुट पैक्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप लोग को रेक्टेंगुलर डिज़ाइन के जो स्विंग आर्म देखने को मिल जाते हैं। ओपन चेन ड्राइव सिस्टम है, हर 500-600 किलोमीटर पे आपको क्लीन करना पड़ेगा। यहाँ पे साड़ी गार्ड देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे ग्रैब रेल जो बहुत अच्छे डिज़ाइन के यूज़ किए गए हैं। एंड गाइस यहाँ पे आप लोग को टैंक पे जो है हार्ली डेविडसन X440 की जो है वो ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। इंजन्स वगैरह को जो अच्छे तरीके से कवर्ड करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है अच्छे तरीके से यूज़ किए गए हैं। तो गाइस इसका जो स्टैंड वगैरह है वो अभी आप लोग को दिखा देता हूँ। तो स्टैंड वगैरह जो है यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है एंड इसका जो ये नीचे का जो प्रोटेक्शन है वो यहाँ पे लगा हुआ है, अच्छे तरीके से उसको शोकेस किया गया है। एंड यहाँ पे इसके सिंगल सीट भी दिए हुए हैं जिसको कि आप चेंज वगैरह भी करवा सकते हैं। इसमें सीट लगा हुआ है, पर आपको ज़्यादा कंफर्टेबल के लिए चाहिए तो सीट को वगैरह को आप चेंज भी करवा सकते हैं। एंड एग्जॉस्ट नोट एक बार जो हम सुनते हैं बाइक का, ये यहाँ पे आइडियल सॉन्ग सुन रहे हैं, एक बार मैं थ्रॉटल देके भी सुनाता हूँ। डेविडसन X440 के अंदर बेसिकली आप लोग को चार कलर्स देखने को मिल जाते हैं। एक रेड मिल जाता है, दूसरा येलो मिल जाता है और एक मिल जाता है मैट ब्लैक कलर एंड दूसरा जो है ये होने वाला है ग्रे कलर। एंड इसके अंदर आप लोग को जो वेरिएंट्स मिलते हैं वो तीन मिल जाते हैं। बेस मॉडल के अंदर आप लोग को जो है अलॉय की जगह जो स्पॉक मिल जाता है, उसमें आप लोग को ट्यूब टायर देखने को मिल जाते हैं। एंड ये जो है ये बीच वाला मॉडल, इसके अंदर अलॉय व्हील दिया हुआ है एंड ट्यूबलेस टायर भी देखें। टॉप मॉडल में भी आप लोग को अलॉय व्हील मिल जाएंगे एंड ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएंगे।